गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग चैप्टर टू का पार्ट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कुछ पढ़ चुके हैं। और आज देखिए हम टॉपिक्स क्लियर कर दे रहे हैं क्या क्या हम लोग को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ना है। तो पहला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथा आपका पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आ रहा है तो क्या करें इसको पढ़ा जाएगा, फिर पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा जाएगा, उसके बाद है आगे प्रॉफिट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ध्यान दीजिए इतने टॉपिक्स हम लोग को इसमें क्लियर करने हैं। हम आप लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, वीडियो में भी सेंड कर चुके हैं और बाकी का वीडियो बनाना है और आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए पहले एक चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आप लोग को पहले बताया जा चुका है, फिर से समझा दे रहे हैं। उसमें सिंगल सिंगल था मतलब एक ही पार्टनर का। अब देखिए होता क्या है इसमें, ये प्रोफार्मा आपका है लेजर का, इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिए पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ए मतलब पार्टनरशिप में अगर तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए की जो इंटरेस्ट बी का फिर सी का, तीनों का अमाउंट टोटल करके वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब ये तीनों को जोड़ के यहाँ पे वो अमाउंट क्या किया जाएगा पूरा। उसके बाद देखिए डेबिट साइड में टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्ट रिजर्व इफ एनी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू पार्टनर, यहाँ ध्यान दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके बुक में डीके गोयल में इसका आप लोग का लेजर जर्नल एंट्री भी दिया है, ठीक है ना, तो उसको भी हम बता देंगे और आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। ये वीडियो जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए उनके लिए है, क्योंकि जो किए हैं वो लोग पढ़ चुके हैं। तो आपके डीको गोयल में इससे संबंधित आपका जर्नल एंट्री भी दिया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, हम ये पहले पढ़ा चुके हैं कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म होता है और पार्टनरशिप होते हैं, तो हम ये जो भी बनाते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहा है दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है एक्सपेंसेस हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि वो पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो इसलिए डेबिट है, क्योंकि लॉस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का। फिर टू पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो भी उसका लॉस। फिर टू पार्टनर्स कमीशन, अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है मतलब पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो रहा है, इसलिए ये सब डेबिट है। फिर टू रिज़र्व, हम पढ़ाए थे कि कुछ पैसे क्या होता है पार्टनरशिप फर्म रिज़र्व करके रखता है फॉर फ्यूचर। फिर प्रॉफिट, जो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है उसको, जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनरशिप कैपिटल में क्या करते हैं, यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो तीनों के अकाउंट में क्या किया जाता है ट्रांसफ़र किया जाता है। आप क्रेडिट साइड में देख लीजिए क्या होता है, क्रेडिट साइड में आप कहता है बाई नेट प्रॉफिट, ये पीएल अकाउंट से बनाते हैं। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट हमारा प्रॉफिट आता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये बाई नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट, इसको पढ़ने से पहले आप लोग पार्टनरशिप की जो पहले की जो वीडियो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। फिर माइनस करते हैं, देखिए माइनस क्या करते हैं इसमें, बाय नेट प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है यदि मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई लोन है उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो इस प्रॉफिट में से क्या करेंगे घटाएंगे। अगर रेंट पेड टू पार्टनर्स, अगर किसी मतलब पार्टनर को रेंट मतलब किराया दिया जा रहा है तो उसको इस प्रॉफिट में से क्या करेंगे घटाएंगे, ये कभी कभी आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। फिर जोड़ेंगे उसके बाद ये जो होता है ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट्स में से इसको क्या करेंगे निकाला जाएगा, ठीक है। तो वही आप दोनों साइड जोड़ते हैं तो इधर है तो ये आपका इधर बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये आपका प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे ए बी सी में
बांट देंगे। अगर इधर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आता है तो आपका वो लॉस होता है, तो जो कि पहले भी बता दें कि पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस को नहीं दिखाया जाता है। अगर आपका बाई लॉस आ रहा है या बैलेंसिंग फिगर में लॉस आ रहा है तो इसको नहीं दिखाया जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका आखिर में किया क्या जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आप देखिए कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिए। कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो होते हैं ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे दूसरी टॉपिक हम लोग पहले टॉपिक क्या पढ़े, पीएल अप्रोप्रिएशन, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका आप जो पार्टनर्स हैं ना उनका हम लोग कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। तो देखिए दो मेथड से बनता है, एक होता है ध्यान दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड, एक फिक्स्ड मेथड और एक आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। तो जब फिक्स्ड मेथड में बनाना है तो पार्टनर्स के दो अकाउंट बनेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी फिक्स मेथड से पार्टनर्स के दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये थ्योरी बेस्ड होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे ना तो हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट। और जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे हम तो वो सॉरी पार्टनर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो हमेशा उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है। इसका कहने का मतलब है कि ये जब बनाएंगे तो हमेशा आपके क्रेडिट साइड बैलेंस होगा, और जब ये पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आएगा। दूसरा मेथड है कैपिटल अकाउंट बनाने का फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक बनेगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका क्या थ्योरी बेस होता है, मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस क्या होगा आएगा। चलिए देखिए, तो पहला हम बनाएंगे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड। देखिए इसमें क्या होगा, फिक्स्ड मेथड में ये पार्टनर्स, ये जो पार्टनर्स हैं एबीसी जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए क्या होता है बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल। ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें हम पढ़े हैं कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो क्या होगा फिर बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल। यानी कि कोई पार्टनर्स है उसका जो ओपनिंग कैपिटल है, आप लोग को कैपिटल नहीं समझ में, अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे क्या हुआ कि हम एक फर्म है मान लेते हैं, ये हमारी फर्म है, ठीक है, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, और इसमें ए बी सी ये तीनों पार्टनर्स हैं ना, पार्टनर्स होते हैं। तो ये कुछ पूंजी लगाते हैं ये तीनों मिलके, तो इसी हम बोलते हैं कैपिटल। जो ये पूंजी यहाँ पे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल होती है, और इसी कैपिटल पे ये फर्म इनको क्या देती है, सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। अब समझ में आया, तो ये आप देखिए जब हम पार्टनर्स बनाएंगे इन लोगों को, इनका अकाउंट अभी तक तो हम लोगों ने इनका बनाया, अब ए बी सी यानी इन पार्टनर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या ज़रूरी है कि जो कैपिटल है वो इनकी पूरे साल में ख़त्म हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ कैपिटल इनकी क्या होगी बची होगी ना। तो आप देखिए जो बची रहती है, एक साल का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है जो, तो आप यहाँ पे 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, तो उस 31 मार्च के दिन अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मान लेते एक ही कैपिटल होगी तो पूरी ना होगी, थोड़ा बची होगी तो वो कैपिटल क्या होगी आगे जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बाई बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैपिटल, ये दो कॉलम इसलिए बना है क्योंकि ये पार्टनर्स ए और बी, ए और बी, समझा। मतलब फिर उसके बाद देखिए बाई कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल, बाई कैश अकाउंट इसलिए है क्योंकि वो फिर अपनी पूंजी को क्या करता है डालता है, यानी कि अपनी पूंजी को नेक्स्ट ईयर कोई भी पार्टनर्स है तो फिर अगले साल भी अपनी कुछ पूंजी क्या करता है पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है। तो वो जो
पार्टनर फर्म में जो पूंजी डालता है वो एडिशनल होता है, यानी कि पूंजी उसकी क्या होती है, बढ़ती है। अगर वही विड्रॉ करता है तो वो क्या होता है, निकालता है। जैसे आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पढ़ेंगे फिर से एक बार तो देखिए उसमें ध्यान से समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे टू कैपिटल, ये तो उसकी पूंजी को बढ़ा दिया, जो पार्टनर्स की पूंजी को बढ़ाएगा वो इस साइड रहेगा, जो पार्टनर्स की पूंजी को कम करेगा वो इस साइड रहेगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है, टू कैश अकाउंट विदड्रॉ ऑफ कैपिटल। यहाँ पे वो विदड्रॉ ऑफ कैपिटल क्या है, यानी कि उसने अपनी कैपिटल में से, यानी फर्म को जो कैपिटल दिया उसमें से उसने पर्सनल यूज के लिए वो क्या किया, कुछ कैपिटल विदड्रॉ, तो ये उसकी पूंजी को कम करा, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड रहेगा क्योंकि ये पार्टनर्स का अकाउंट बन रहा है, तो ये उसका खर्चा होगा। तो यहाँ पे उसकी पूंजी क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे डेबिट साइड। फिर उसके बाद सिर्फ तीन आइटम रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में इतने तीन आइटम रहेंगे, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो रहेगा, उसके बाद कुछ और वो पूंजी डाल रहा है तो वो रहेगा, और इधर जो अगर वो कुछ निकाल रहा है तो इसको विड्रॉ ऑफ कैपिटल को यहाँ दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जाएगा तो टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल। हमेशा हमने पढ़ा कि इसका बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, हमेशा क्या रहेगा आपका, क्रेडिट बैलेंस। अब यही क्या होगा, अगले साल ये जो टू बैलेंस सीडी है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा कि क्रेडिट का अधिक होगा, क्रेडिट साइड अधिक होगा और डेबिट साइड आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अगर एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर क्रेडिट बैलेंस कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड अधिक होगा डेबिट साइड का, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए हम टू बैलेंस बीडी या सीडी नहीं लाए हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यानी कि ये साइड अधिक रहेगा और ये साइड हमेशा उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। आगे चले देखिए, यहाँ पे एक चीज़ पीछे भी पढ़ाया हम, ड्राइंग और विड्रॉ ऑफ कैपिटल दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ड्राइंग टेम्प्रोरी नेचर का होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है ना। ये आज निकाले, एक दो महीने में हमने जमा कर दिया, एक दो दिन बाद पैसा निकाले पर्सनल यूज करने के लिए, दो चार दिन के बाद हम, तो उस समय ड्राइंग होती है। विड्रॉ क्या होता है कि हम साल भर के लिए, उससे भी ज़्यादा के लिए जब पैसा अपनी कैपिटल से लेते हैं तो उसका होता है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, दूसरा आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, ध्यान दीजिए उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है फिक्स्ड मेथड में, और दूसरा क्या है आपका, उसी में पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड रहेगा तो दो अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, तो ये दूसरा है, और इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस रहेगा। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखे भी हैं हम कि जो पार्टनर के बैलेंस को बढ़ाता है, इसमें लिखते हैं ना, जो पार्टनर्स के बैलेंस को बढ़ाता है क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो पार्टनर्स के बैलेंस को कम करता है उसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। इतना चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए, चूँकि इसमें बैलेंस दोनों क्रेडिट साइड भी हो सकता है डेबिट साइड भी हो सकता है, तो देखिए यहाँ बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे टू बैलेंस सी डी ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो रहा है, जब पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। बाई पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर की पूंजी बढ़ रही है। बाई पार्टनर कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो बाई पी एल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे। याद रखिएगा जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें हमेशा प्रॉफिट आता है, क्योंकि हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो, तो उस प्रॉफिट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। अगर आपको बाई प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये नहीं दिखाएंगे इसमें, यानी इस खाते में इसको नहीं दिखाएंगे। फिर बाई बैलेंस सी डी, ये जो जोड़ने के बाद आता है ये होगा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। अब इधर आइए, इधर देखिए टू बैलेंस बी डी ओपनिंग डेबिट बैलेंस, अगर कोई बैलेंस बी डी है तो। उसके बाद टू ड्राइंग जो होता है आरड, ये क्या करता है, ये कम करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट दिया है तो
ड्राइंग पे इंटरेस्ट देते हैं तो वो क्या होता है, हमारी पूंजी को कम कर देता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिखाएं और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस आता है उसको पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस और यहाँ पे क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, समझ में आ गया। ये है उसका प्रोफार्मा। आप आगे देखिए, ये दिया है कैपिटल बैलेंस, करंट बैलेंस, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये इसके बराबर नहीं होता, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप देखिए, फिक्स्ड मेथड ख़त्म, आपका आ गया प्रॉफिट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनाना है। इस मेथड में अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ एक बनाना है। और इसमें देखिए क्या हुआ क्या है कि वही चीज़ दोनों को इसमें ऐड कर दे। देखिए, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, फिर बाय कैश अकाउंट जो एडिशनल है उसमें भी था पार्टनर्स कैपिटल का, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो इसको इसमें भी नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसका हम लोग पढ़े हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, इसलिए टू बैलेंस बीडी यहाँ पे भी रहेगा, बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे भी रहेगा। और देखिए टू कैश अकाउंट विदड्रॉ ऑफ कैपिटल, ये फिर टू ड्राइंग अकाउंट, देखिए इसमें भी था, वो दोनों अकाउंट को इसमें क्या कर दे रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में जोड़ दे रहा है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस आएगा यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। अब समझ में आ गया, ये आप लोग का फॉर्मेट है। आप देखिए दो, फिर थर्ड टॉपिक आपकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, एक रेगुलर ड्राइंग पढ़ेंगे और एक इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग में देखिए डिफरेंस क्या है। इसमें होता है कि रेगुलर ड्राइंग में जो भी अमाउंट आप ड्राइंग करेंगे वो सेम होगा, पर मंथ आप क्या करेंगे, मतलब पर मंथ एक सैलरी, जैसे मान लेते 10,000 अगर निकाल रहे हैं तो आपका हमेशा जब भी ड्राइंग करेंगे 10,000 करेंगे उसमें। और क्या रहेगा रेगुलर, एवरी मंथ इन द बिगनिंग, ये रहेगा कि आप हर महीने के शुरू में ड्राइंग कर रहे हैं, या एवरी क्वार्टर ऑफ इन, यानी कि एवरी क्वार्टर इन द, यानी कि होगा कि आप हर तीसरे महीने में ड्राइंग कर रहे हैं। और ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि एवरी मंथ इन मिडल, यानी कि आप हर महीने के बीच में आरड़ कर रहे हैं, यानी ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये जब गिवन है तो ये तो क्या रेगुलर ड्राइंग होगा, ठीक है ना। और इसमें अमाउंट भी सेम होगा, मान लेते कह दिया कि वो हर महीने के शुरू में 10,000 निकालता है, तो ये होगा इस टाइप का, तो ये आपका क्या होगा रेगुलर। दूसरा क्या इरेगुलर ड्राइंग में क्या होगा, इरेगुलर ड्राइंग्स में होता है 30 जून, मतलब किसी भी दिन किसी भी महीने में, 30 जून, 1 अप्रैल, 11 दिसंबर, 1 जनवरी, और इसका अमाउंट भी डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा इरेगुलर ड्राइंग हो जाएगा। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है निकालने का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड जो है वो कैसे निकलेगा, तो टाइम लेफ्ट, इसको लिख लीजिए आप लोग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये इसका रेगुलर मेथड का है। इरेगुलर मेथड का होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपन 100 इंटू 1 अपन, इसको समझाएंगे अभी कैलकुलेशन में आपके नेक्स्ट वीडियो में।